अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस सीएसएस सिलेबस पेपर 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे अपने लास्ट टॉपिक्स को, कंटेम्पररी इश्यूज को, जिसमें यूरो अटलांटिक वर्सेस एशिया पैसिफिक ग्रेट पावर पॉलिसीज हैं, और डिस्कस करेंगे कश्मीर इशू और फलस्तीन इशूज को. सो इन द वर्ल्ड टुडे टू मेजर रीजंस होल्ड सिग्निफिकेंट पावर एंड इन्फ्लुएंस द यूरो अटलांटिक रीजन, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. In the Asia-Pacific region, primarily including countries like China, India, and Japan. So, understanding the policies of these regions help us see how they shape global politics, security, and economics. जो यूरोटलैंडिक मुकाबला एशिया-पैसिफिक की बड़ी ताकतों की पॉलिसी हैं, यानी आज की दुनिया में दो बड़े इलाके यानी अहम ताकत और इन्फ्लुएंस रखते हैं, जो हैं यूरोटलैंडिक इलाका यूरोप और शुमाली अमरीका, और दूसरा एशिया-पैसिफिक इलाका खासतौर पर चाइना, भारत और जापान जैसे ममालिक हैं. तो इन इलाकों की पॉलिसियों को समझना यह देखने में मदद देता है कि वो आलमी सियासत, सलामती और मईशत को कैसे शक्ल देते हैं. यूरो अटलांटिक पॉलिसीज हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले. तो इसमें यूरोप और शुमाली अमेरिका के ममालिक शामिल हैं, खासतौर पर नेटो, शुमाली अटलांटिक मुआहदा तंजीम और यूरोपीय यूनियन के अरकान जिसके अंदर शामिल हैं. और इसके सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं, द रीजन इज क्रूशल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज, मिलिट्री कैपेबिलिटीज एंड कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स. तो ये इलाका एक मजबूत मईशती, फौजी सलाहियतों और जमहूरियत इंसानी हकूक के लिए अज़म की वजह से अहम है. और इसकी जो अहम पॉलिसी हैं उसमें डिफेंस और सिक्योरिटी है, नेटो मिलिट्री अलायंसेस हैं दैट इंश्योर मेंबर्स विल डिफेंड ईच अदर इफ अटैक, दिस इज बेस्ड ऑन कलेक्टिव डिफेंस. तो नेटो जो है एक फौजी इतिहाद है जो ये यकीन दहानी कराता है कि अरकान अगर हमले का शिकार हूँ तो एक दूसरे का दिफा करेंगे, और ये इतमाही जो है वो दिफा के ऊपर भी मबनी होता है. Then response to threats or tensions with Russia, especially after its actions in Ukraine, have led to increase in military readiness and support for Eastern European countries. तो खतरात का जवाब यानी रूस के साथ तनाव, खासतौर पर इसके यूक्रेन में कार्रवाइयों के बाद जो मशरकी यूरोप ममालिक हैं उनकी मदद और फौजी तैयारी में इजाफा हुआ है. और इक्तसादी जो तावन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें तजारती मुहदे हुए हैं, यानी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने ट्रांस अटलांटिक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप TTIP जैसे मुहदों के ऊपर काम किया है ताकि तजारत को प्रमोट किया जा सके. एंड देन डिजिटल इकोनमी है, यानी जो डिजिटल मईशत है, मईशत की तरक्की को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और जिदत में तावन के ऊपर तवज्जो दी गई है. देन ग्लोबल लीडरशिप एंड वैल्यूज, प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, यूरो अटलांटिक कंट्रीज एडवोकेट फॉर ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ ग्लोबली. और इसके अलावा जो जमहूरियत को फरोग देना, यानी यूरो अटलांटिक मालिक इंसानी हकूक, जमहूरियत और आलमी सतह के ऊपर कानून की हुक्मरानी की वकालत करते हैं. और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, दीज कंट्रीज ऑफन लीड एंड सपोर्ट इंस्टीट्यूशन लाइक द यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन इंटरनेशनल ऑर्डर. बैन अक्वामी तंजीमें, यानी ये ममालिक आलमी नज़्म व नस्क को बरकरार रखने के लिए अक्वामी मुत्तहिदा और आलमी तजाती जो तंजीमें WTO जैसी इदारों की क्यादत और हमायत करते हैं. और एशिया पैसिफिक पॉलिसीज को अगर हम डिफाइन करें तो एशिया पैसिफिक इलाका यानी इस इलाके में जो है वो इसके अंदर चाइना, भारत, जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक इसके अंदर शामिल हैं. और ये इलाका तेज़ी से इक्तसादी तरक्की कर रहा है, इसमें अहम फौजी तरक्की हो रही है और इसके साथ साथ जो उसे आलमी अमूर में अहम किरदार अदा करने वाला बनाता है. और इसकी कल एक की जो पॉलिसीज की अगर हम बात करते हैं, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और ट्रेड है, यानी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, इक्तसादी तरक्की और तजारती मुहदे हैं. तो इलाकाई जाम इक्तसादी शराकत दारी जैसे इकदाम जो हैं एशिया पैसिफिक ममालिक के दरमियान तजारत को बढ़ाते हैं. और इस तरह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हैं जिसको चाइना लीड कर रहा है. और ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के जरिए जो है वो चाइना की कैदन में जो मनसूबाबंदी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी तमीर है, एशिया और इसके आगे की तजारत के रवाबित को बढ़ाने के लिए जो है चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो है डिफरेंट ममालिक के अंदर यानी कि इसको इस्तेमाल कर रहा है और इसके जरिए अपने दूसरे ममालिक में इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. और चाइना ने जो है अफगानिस्तान के अंदर भी तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया है सबसे यानी कि पहले बाकी ममालिक के मुकाबले में, और उसके अंदर जो है अपने मईशत को मजीद तरक्की देने के लिए अपने मंसूबे भी शुरू कर दिए अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ. देन सिक्योरिटी एंड मिलिट्री डायनेमिक्स है, इंक्रीज मिलिट्री स्पेंडिंग यानी चीन की जो बढ़ती हुई ताकत है, चाइना अपने जो है वक्त सादी तरक्की और शराकत दारी और सरमाकारों के जरिए इलाके और आलमी सतह के ऊपर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है. देन रीजनल टेंशन हैं यानी कि
जो इलाके के इलाके में जो ममालिक इतिहादी हैं उनके उनको तश्कील कर रहे हैं, जैसे कि क्वाड है, अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जो चीन के इन्फ्लुएंस का मुकाबला करने के लिए है। देन इन्फ्लुएंस इन डिप्लोमेसी, चाइना ग्रोइंग पावर अलायंसेस, और इस तरह से जो जोग्राफियाई यानी हुकूमत अमली है, यानी इसके अंदर जो यूरो जो अटलांटिक यानी कि इसके अंदर ममालिक हैं इतिहादों के दरमियान, वो इजतमाई यानी कि जिनके इक़्तिसादी तआवुन के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, और चाइना जो है वो अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ा रहा है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है, सो इन्फ्लुएंस इन द रीजन एंड ग्लोबली अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है ग्लोबली भी और रीजनली भी, और इस तरह से जो अलायंसेज हैं कंट्रीज इन द रीजन आर फॉर्मिंग अलायंसेज सच एज क्वाड इन्वॉल्विंग यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया टू काउंटर बैलेंस चाइना इन्फ्लुएंस। इतिहादी मुल्क में जो है वो क्वाड, अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया जो चीन के इन्फ्लुएंस को का मुकाबला कर रहे हैं, और कंपैरेटिव एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं जिसमें जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज हैं, यूरो अटलांटिक अप्रोच, तो एशिया पैसिफिक जो नुकता नजर है इसमें और इतिहादों के दरमियान इजतमाई सलामती और इक़्तिसादी तआवुन के ऊपर तवज्जो देता है, और इसके अलावा जो है इक़्तिसादी तरक्की और इलाकाई ताकत की हरकत के ऊपर जोर देता है अक्सर दो तरफा माहदों के जरिए, और फिर रिस्पॉन्स टू ग्लोबल चैलेंजेस मल्टीलेटरलम एंड बायलेटरल फोकस। तो इसके जो आलमी चैलेंजेस के जवाब है वो यूरो अटलांटिक मालिक अक्सर आलमी चैलेंजेस के हल के लिए बैन अक्वामी तंजीमों के जरिए काम करते हैं, और इस तरह से जो दो तरफा नुकता नज़र है यानी एशिया पैसिफिक मालिक मखसूस मसाइल के हल के लिए स्ट्रेटजिक शराकत दारी के ऊपर जोर दे सकते हैं, और फ्यूचर ट्रेंड्स की बात करते हैं जिसमें इंक्रीजिंग कम्पटिशन है तो बढ़ती हुई यानी को मुकाबला है, तनाव के अंदर इजाफा है जिन दोनों ममालिक के दरमियान मुकाबला जो है खासतौर पर तजारती पॉलिसियों और इसके अलावा जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस है इसको बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं जिससे मुमकिन तनाजात भी पैदा हो सकते हैं, और फिर ग्लोबल इन्फ्लुएंस है यानी कि इसके अंदर दोनों इलाकों में अक़्वामी उमूर में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे मजीद तनाजात पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ लेकर जा सकता है। नीड फॉर कोऑपरेशन यानी ग्लोबल चैलेंजेस इश्यूज हैं लाइक क्लाइमेट चेंज है, पेंडेमिक्स है, साइबर सिक्योरिटी है, सो रिक्वायर कोलैबोरेशन बिटवीन दीज रीजंस। तो इस तरह से जो इस तरह के जो यानी कि मसाइल हैं जैसे माहौलियाती तब्दीली है, वबाई अमराज हैं, साइबर सिक्योरिटी के लिए इन इलाकों के दरमियान तआवुन की जरूरत है, और फिर मुस्तकबिल की जो सफारतकारी गालबन मुकाबले और आलमी मसाइल के ऊपर मिलकर काम करने की जरूरत के दरमियान जो है वह तोज़ुन को बरकरार रखेगी। तो यूरो अटलांटिक और एशिया पैसिफिक के इलाकों की पॉलिसियाँ जो है मौजूदा आलमी मंजरनामे को शक्ल देने में बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं, और हालांकि हर एक अपने मफादात को फॉलो करते हैं लेकिन इनके डायनेमिक्स को समझना आज की बैन अक्वामी तालुकात की पेचीदगियों को समझने के लिए जो है वो ज़रूरी है। तो मुश्तरका चैलेंजेस का सामना करने के लिए जो है वो तामन जो है वो कलीदी हैसियत रखते हैं, हालांकि मुकाबला इसके अंदर जारी रहेगा। और नेक्स्ट हम जो है टॉपिक पे बात करते हैं कश्मीर इशू के ऊपर, और कश्मीर इशू जो है एक कम्प्लेक्स और एक तवील मुद्दती तनाज़ा है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जिसमें जो है अहम तारीखी सियासी सकाफती पहलू भी शामिल हैं। तो ये तनाज़ा जो है वो कई जंगों का सबब भी बन चुका है और इसका असर खित्ते के लाखों लोगों की जिंदगियों के ऊपर भी पड़ता है। देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करते हैं कश्मीर इशू की, देन ओरिजिन ऑफ द कन्फ्लिक्ट पार्टीशन ऑफ द इंडिया 1947 व्हेन ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान princely states were given the options to join either country. भारत की तकसीम में 1947 जब बरतानवी हिंदुस्तान को भारत और पाकिस्तान में तकसीम किया गया था तो रियासतों को अख्तियार दिया गया था कि वो किसी भी मुल्क में शामिल हों। फिर जो है जम्मू कश्मीर के अगर इलाके की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के जो हुक्मरान थे वहाँ राजा हरि सिंह, उन्होंने इब्तदाई तौर पर आज़ाद रहने का फैसला किया था लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो कबायली मलेशिया की मदाखलत हुई थी इसके बाद उन्होंने भारत से फौजी इमदाद के बदले भारत में शामिल होने का फैसला कर लिया। देन यूएन इन्वॉल्वमेंट, यूएन रेजोल्यूशन 47/1948 अक़वाम मुत्तहिदा की जो शमूलियत है उसकी करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा ने मुदाखलत की और जंग बंदी और कश्मीर के मुस्तक़बिल के तय उनके लिए रेफरेंडम के इनेकाद की दरख्वास्त की और ये रेफरेंडम जो है कभी नहीं कराया गया। देन करंट पोलिटिकल सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ द कश्मीर यानी रीजन कश्मीर डिवाइड इन थ्री मेन एरियाज जम्मू कश्मीर वैली एंड गिलगित-बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरह से जो है यानी कि कश्मीर तीन बुनियादी इलाकों में तकसीम है, अक्सरियती हिंदू आबादी है जम्मू के अंदर और भारत का यह हिस्सा है, और इसके अलावा कश्मीर वादी अक्सरियती मुसलमान आबादी और भारत का यह हिस्सा है, और इस तरह से जो यानी गिलगित-बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर है ये भी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। देन ऑन गोइंग टेंशन मिलिट्री प्रेजेंस एंड मिलिटेंसी, तो भारत और पाकिस्तान दोनों खित्ते में एक बड़ी फौजी मौजूदगी
रखते हैं जिसकी वजह से अक्सर जन के झड़पें होती रहती हैं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अलहदगी पसंद तहरीक थी जो है वो कश्मीर वादी में शिदत पसंद ग्रुपों की बढ़ती मौजूदगी ने उसको तनाजे को बढ़ा दिया, जिसमें से कुछ आज़ादी या पाकिस्तान के साथ जो है वो इलहाक की वकालत करते हैं। और की इश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ह्यूमन राइट्स कंसर्न बहुत ज़्यादा अहम है, जिन्हें सिविल इंपैक्ट है, डिसप्लेसमेंट है, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, लीड टू ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इंक्लूडिंग आर्बिट्री डिटेंशंस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट। और इस तरह से जो इंसानी हकूक के मसाइल हैं, जारी तनाजा के कई नतीजे में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, जिनमें बिलाजवाज हिरासत, मावरा अदालत कत्ल और नकल हरकत की आज़ादी की पाबंदी शामिल हैं। और इस तरह से बहुत से लोग हैं जो जिन लोगों को तशद्दुद फौजी कार्रवाई की वजह से जो है वो बेकार होना पड़ा है। देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं कश्मीर इशू की, तो तरक्की के चैलेंजेस हैं इसमें, तो बिल प्रोलॉन्ग्ड जो कॉन्फ्लिक्ट है इसने खत्ते में इक्तिसादी तरक्की में रुकावट डाली है, सरमायाकारी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की महदूदियत की वजह से गुर्बत और बेरोजगारी के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है। देन टूरिज्म कश्मीर नाउन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी हैज सीन अ डिक्लाइन इन टूरिज्म ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो सियाहत की अगर हम बात करते हैं कुदरती खूबसूरती के लिए कश्मीर जो है इसमें सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से सियाहत में कमी आई है, और खूबसूरती के हवाले से जिनके वजह बहुत ज़्यादा मशहूर रियासत है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल डायमेंशंस की, जिसमें ग्लोबल अनरेस्ट है, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है और डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। सो इसमें जो है कश्मीर की जो लोकेशन है वो जुग्राफियाई लिहाज से बहुत अहम है, जो चीन, भारत और पाकिस्तान के दरमियान वाकई है, और आलमी ताकतें जो हैं जिसमें अमेरिका, चीन है, वो इस इलाके में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, यानी कश्मीर का मसला जो है वो भारत और पाकिस्तान के तालुकात को मुतासर करता है और खिते के इस्तेहकाम के ऊपर असरअंदाज होता है। तो कश्मीर का इशू पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1947 से ही स्टार्ट हो गया था, और इसके ऊपर 47, 65 और 71 की जंगें भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये मसला अब तक जो है तलब है। ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर में मौजूद है, अक़वाम मुत्तहिदा जो है असवाब राय कराने चाहती है अक़वाम मुत्तहिदा के कश्मीर के अंदर, ताकि कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों की राय ली जा सके और उनके मुताबिक जो है उनकी रियासत का फैसला किया जा सके, लेकिन जो है वो इसके असवाब राय भी नहीं हो सका है। और अक़वाम मुत्तहिदा जो कि मदाखलत के बावजूद जो है इस मसले को हल करने में नाकाम रहा है। तो इसी मसले की वजह से ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है तिजारत को में भी रुकावट है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तिजारत अगर हो तो फिर दोनों ममालिक की मईशत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, दोनों ममालिक की आवाम को फ़ायदा होगा, बेरोज़गारी में कमी आएगी, मुलाजमतें पैदा होंगी और इस तरह से मईशत भी बेहतर होगी दो तरफ़ा मुज़ाकरात से, दो तरफ़ा तिजारत से, क्योंकि इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा जो है यानी कि बहुत बड़ी एक मंडी है तिजारत के हवाले से। सो रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूनाइटेड नेशंस हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सी यानी कि बैन अक्वामी तंजीमों ने भी इसके अंदर किरदार अदा किया, अक़वाम मुत्तहिदा ने बातचीत और पुरअमन हल के लिए कोशिशें की हैं, लेकिन इसके लिए अपने करारदादों को नाफिज करने में कामयाबी हासिल नहीं की। फिर इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, मुख्तलिफ तंजीमें कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल के ऊपर तशवीश का इजहार करती हैं और एहतसाब का भी मुतालबा करती हैं, अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा करती हैं। देन पाथ टू रेजोल्यूशन, डायलॉग एंड नेगोशिएशन, bilateral talks, Indian Pakistan have engaged in talks over the years, but these have often stalled due to mutual distrust and other geopolitical factors. So Bharat aur Pakistan ne saalon ke dauran muzakarat kiye hain, lekin aksar ye bahami adam aitmad aur digar geography awamil ki wajah se ruk jate hain, aur iske andar jo local leaders ki involvement hai, yani kashmiri rehnumon ko baatcheet ke amal mein shamil karna ek jamal hal ke liye zaruri hai. Aur possible solutions ki agar hum baat karte hain, autonomy and self determination, some progress greater autonomy for Kashmir with India, while others advocate for plebiscite to allow peoples to choose their future. और कुछ लोग भारत के अंदर कश्मीर के लिए ज़्यादा खुद मुख्तारी की तजवीज़ देते हैं, जबकि बाकी लोगों की राय है कि रेफरेंडम के जरिए लोगों को अपने मुस्तकबिल का इंतखाब करने का मौका दिया जाए। और इसके अलावा बैन अक्वामी इसके अंदर जो सालसी है, यानी इसके अंदर बातचीत में गैर जानबदार फरीकों को शामिल करना पुरअमन हल के लिए जो है वो हेल्पफुल साबित हो सकता है। So Kashmir issue remains a deeply rooted conflict with significant implications for regional and global politics. A lasting resolution requires dialogue, understanding and a commitment to addressing the aspirations of the Kashmiri people. Kashmir ka masla jo hai gair tanaz hai jo khitte aur alami siyasat ke upar hai masraat murattab karta hai, mustaqil hal ke liye baat cheet ho samajh boojh aur Kashmiri awam ke khwahishat ke ehtram ki zarurat hai.
تو بغیر کسی مشترکہ کوشش کے جو کہ تنازع کا یہ جو سلسلہ ہے آنے والی نسلوں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا رہے گا. سو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جو ہے وہ فلسطین ایشوز کی. So Palestine issue is a long-standing conflict between Israelis and Palestinians rooted in historical, political and territorial disputes. So it is a significant implications for regional stability and international relations. Palestine کا مسئلہ جو ہے وہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جو ہے ایک طویل مدت کا تنازع ہے جو تاریخی سیاسی اور علاقائی اختلافات کے اوپر بھی مبنی اور اس خطے کے استحکام اور بین الاقوامی تعلقات کے اوپر بھی اہم اثر ہے اس کا. اور اگر ہسٹریکل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں اس اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو تنازع ہے اس کا, تو لیٹ 19th سینچری 19th صدی کے آخر میں یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب اس علاقے میں یہودی اور عرب قوم پرستی کی تحریکیں ابھری جو اس کے وقت عثمانی سلطنت کا حصہ تھی. پھر جو اس کے اندر صہیونیت تھی جنہیں جوئش نیشنل نیشنلسٹ موومنٹ ایمڈ ایٹ اسٹیبلشنگ اے ہوم لینڈ فار جیوز ان فلسطین لیڈنگ ٹو انکریز جوئش امیگریشن فار دا ایریا. ایک یہودی قوم پرست تحریک جو فلسطین میں یہودیوں کے لیے جو ہے وہ ایک وطن قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی, جس کی وجہ سے علاقے میں یہودی ہجرت میں اضافہ ہوا. اور پھر برطانوی اگر مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں جس میں بلفور ڈکلریشن ہے, بلفور اعلامیہ ہے 1917 کا, برطانوی حکومت نے فلسطین میں یہودی عوام کے لیے ایک قومی گھر کی حمایت کا اظہار کیا تھا. سو اس طرح کے جو اس کے جبکہ جو موجودہ غیر یہودی کمیونٹیز ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کا بھی وعدہ کیا. دین لیگ آف دا نیشنز مینڈیٹ 1920 فالوئنگ دی ورلڈ وار فاسٹ بیریٹین واز گیون کنٹرول آف دا فلسطین لیڈنگ ٹو ٹینشن بٹوین جوئش امیگرینٹس اینڈ عرب پاپولیشن. اور اس طرح سے جو ہے عالمی تنظیم کی مینڈیٹ یعنی 1920 پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کو فلسطین کا کنٹرول دیا گیا, جس کی وجہ سے یہودی امیگریشن اور عرب آبادی کے درمیان جو ہے وہ تناؤ بڑھا تھا. دین کی ایونٹس ان دا کنفلکٹس یو این پارٹیشن پلان 1947. تو یونائیٹڈ نیشنز پرپوزڈ ٹو پارٹیشن فلسطین از Palestine into separate Jewish and Arab states with Jerusalem and as an international city. تو اقوام متحدہ کی جو پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ حکومت سے فلسطین کا کنٹرول دیا گیا تھا اور پھر اس میں یہودی امیگریشن کے اندر اضافہ ہوا تھا. پھر جو ہے اقوام متحدہ کی تقسیم کا منصوبہ تھا جنہیں اقوام متحدہ نے فلسطین کو الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی, جبکہ یروشلم کو بین الاقوامی شہر قرار دیا. اب ریئیکشنز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہودی رہنماؤں نے اس منصوبے کو قبول کیا لیکن عرب رہنماؤں نے اس سے مسترد کر دیا, جس کی وجہ سے تشدد میں پھر اضافہ ہو گیا. اسٹیبلشمنٹس آف دا اسرائیل 1948 ڈکلریشنز آف انڈیپینڈنس. تو 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کیا, جس کے نتیجے میں پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی. اور اس کے نتائج کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے 7 لاکھ سے زائد فلسطین میں بے گھر ہو گئے تھے. اور جیسے فلسطین کی جانب سے جو ہے وہ یعنی مصائب جسے کہا جاتا ہے نقبہ تھا یعنی کہ ان کو سامنا تھا. اور اس کے علاوہ آن گوئنگ کنفلکٹس یعنی وارز سیول وارز ہے وہ اکرڈ سنس 1948 انکلوڈنگ دا سکس ڈے وار 1967 ڈیورنگ وچ اسرائیل آکوپائیڈ دا ویسٹ بینک اینڈ غزہ سٹری. 1948 کے بعد جو ہے کئی جنگیں ہوئیں جن میں کچھ 6 روزہ جنگ 1967 بھی شامل ہے, جس میں اسرائیل نے مغربی کنارے غزہ کی پٹی کے اوپر قبضہ کیا. اور پھر فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیلی قبضے کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی تحریکیں جنہیں پہلی جنگ 1997 to 1993 اور دوسری جنگ جو یعنی کہ اس کے اندر انفیڈیز تھی یعنی 2000 to 2005 اسے کہا جاتا ہے, جاری جد و جہد کو بھی ہائی لائٹ کرتی ہے. دین کرنٹ پولیٹیکل سچویشنز کی اگر ہم بات کریں, ڈویژن آف ٹیریٹریز ویسٹ بینک غزہ سٹری. تو مغربی کنارے جنہیں فلسطین اتھارٹی کے جزوی کنٹرول میں ہے لیکن اسرائیلی فوجی موجودگی کے تحت ہے. اور پھر غزہ سٹرپ ہے یعنی جو ہے حماس نامی ایک شدت پسند گروپ کے زیر کنٹرول ہے اور اسرائیل جو ہے وہ ناکہ بندی کے تحت ہے. دین پیس ایفورٹس اوسلو ایکارڈز 1993 ا سیٹ آف دی ایگریمنٹس ایمڈ ایٹ اچیونگ پیس اینڈ اسٹیبلشنگ اے فریم ورک فار فلسطینین سیلف گورننس. تو جو اس یعنی کہ اوسلو معاہدے 1993 میں ہوئے امن کے حصول کے لیے کثیر معاہدے جو فلسطینی خود مختاری کے لیے فریم ورک قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب اس کے اندر بھی یعنی کہ چیلنجز ہیں, یعنی امن مذاکرات میں اسرائیلی آباد کاری ہے, یروشلم کی حیثیت ہے, فلسطینی ریاست کی تشکیل جیسے مسائل کی وجہ سے یعنی کہ رکاوٹیں پیش آتی ہیں. اور کی ایشوز کی بات کرتے ہیں اس میں ہیومن رائٹس کنسرنز ہیں, لیونگ کنڈیشنز ہیں, وائلنس اینڈ ڈسپلیسمنٹ ہے. تو اس طرح سے جو انسانی حقوق کے مسائل ہیں بہت سے فلسطینیوں کو خراب زندگی کے حالات, وسائل کی محدود رسائی, نقل و حمل جو عمل ہے
یعنی کہ نقل حرکت اس کے اوپر بندی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ ان کے معاشی حالات ہیں اور وائلنس اور ڈسپلیسمنٹ کی بات کرتے ہیں تشدد اور بے گھر ہونا تو مسلسل تشدد کے نتیجے میں انسانی جانوں کا نقصان ہوتا ہے زخمی اور کمیونٹی کے بے گھر یعنی کہ وہ ہو جاتے ہیں سو دین ریفیوج کرائسز فلسطینین ریفیوجیز ملینز آف دا فلسطینینز آر رجسٹرڈ ریفیوجیز مینی لیونگ ان کیمپس اکراس فار مڈل ایسٹ ود لمیٹڈ رائٹس اینڈ اپرچونیٹیز اور اس طرح سے جو مہاجرین کا بحران تھا یعنی فلسطینی مہاجرین لاکھوں فلسطینی مہاجرین کے طور پر رجسٹرڈ ہیں جن میں بہت سے مشرق وسطی کے کیمپوں میں محدود حقوق اور مواقع کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے سے رائٹ آف دا ریٹرن یعنی کہ فلسطینی اپنے آبائی گھروں میں واپسی آنے کا حق مانگتے ہیں جو امن مذاکرات میں ایک متنازع مسئلہ بھی ہے دین انٹرنیشنل ڈائمینشنز گلوبل انوائرمنٹ یونائٹڈ نیشنز اینڈ ریجنل پاور تو اقوام متحدہ نے اس تنازع کے حل میں ثالثی کی کوششیں کی ہیں اور انسانی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کی ہے لیکن قراردادوں کو اکثر مخالفت کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے سو ریجنل پاورز کنٹریز لائک ایجپٹ جارڈن اینڈ ایران ہیو پلیڈ سگنیفیکنٹ رول ان سپورٹنگ ادر سائیڈ آف دا کنفلکٹ علاقائی طاقتیں مصر ہے اردن ایران جیسے ممالک ہیں تو اس نے تو انہوں نے اس تنازع میں اپنے جو حامی تھے ان کی مدد کے لیے بھی اہم کردار ادا کیا ہے پھر انٹرنیشنل اوپینینز لائک ڈیوائڈیڈ پرسپیکٹیوز گلوبل اوپینینز آن دا کنفلکٹ ویری وائڈلی ود سم کنٹریز سپورٹنگ اسرائیل رائٹ ٹو ایگزٹ اینڈ ادرز ایڈوکیٹنگ فار فلسطینین سیلف ڈیٹرمینیشن تو عالمی رائے میں یہ تنازع مختلف ہے کچھ ممالک اسرائیل کے وجود کی حق کی حمایت کرتے ہیں جبکہ دیگر فلسطینی خود مختاری کے حق میں ہیں سو پارٹ ٹو پارٹ جو ریزولیوشنز ہیں یعنی حل کی راہیں تو بات چیت کی ضرورت ہے یعنی دو دفعہ مذاکرات کی تو اسرائیل اور فلسطینی رہنماؤں کے درمیان براہ راست مذاکرات کے قابل قبول حل تلاش کرنے کے لیے ضروری ہیں دین انوالومنٹ آف دا تھرڈ پارٹیز تو دو جو تیسری فریق کی شمولیت یعنی بین الاقوامی ساتھوں کی شمولیت گفتگو کی سہولت فراہم کر سکتی ہے اور مذاکرات کے لیے غیر جانبدار جگہ بھی پرووائڈ کر سکتی ہے دین پاسبل سولوشنز ٹو اسٹیٹ سولوشنز اینڈ ون اسٹیٹ سولوشن سو A widely supported idea of proposing an independent Palestinian state alongside Israel. دو ریاستی حل یعنی ایک وسیع پیمانے کے بارے میں یافتہ خیال ہے جو ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے ساتھ اسرائیل کی موجودگی کا مطالبہ کرتا ہے اور پھر اس کے اندر جو ایک ریاستی حل ہے less common proposal advocating for a single state with equal rights for all citizens regardless of their ethnicity. اور یہ ایک عام تجویز ہے جو تمام شہریوں کے لیے حقوق کے ساتھ ایک ریاست کے قیام کی وکالت کرتی ہے وہ کو کسی بھی نسل کے ہوں سو فلسطین ایشو جو ہے ایک کمپلیکس اور ایک حساس تنازع ہے جو کئی دہائیوں سے جو ہے جاری ہے اور ایک پرامن حل تلاش کرنے کے لیے تاریخی پس منظر کو سمجھنا اور اس طرح سے اسرائیلی اور فلسطینیوں کی ضروریات کا احترام کرنا بات چیت کو فروغ دینا ضروری ہے بین الاقوامی برادری کا امن کی کوششوں میں کردار جو ہے وہ خطے میں مستقل استحکام حاصل کرنے کے لیے اہم ہے تو اس طرح جو ان کے فلسطین کا اور اسرائیل کے درمیان جو یعنی کہ یہ تنازع ہے ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا اور جو اس وقت جب بھی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو ہے وہ ایک جنگ جاری ہے جس میں بہت زیادہ یعنی کہ حملوں کی وجہ سے جو اسرائیل کی جانب سے امریکہ کی مدد سے اس غزہ کے لوگوں کے اوپر کیے گئے ہیں تو بہت زیادہ اسرائیل نے مظالم یعنی کہ ڈھائے ہیں اور ڈھا رہا ہے اور امریکہ کی مدد اس کے اندر بھی یعنی اسرائیل کے ساتھ شامل ہے امریکہ جو ہے وہ اس کو ہر طرح سے فوجی امداد اور مالی امداد اقتصادی امداد بھی مہیا کر رہا ہے اور فلسطین کے اندر یعنی کہ فلسطینی اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہے وہ کافی یعنی کہ مہینوں سے جاری ہے اور اس کے اندر بھی یعنی کہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے جو ہے غزہ کے اندر جانے جا چکے ہیں اور اس کے اندر یعنی کہ جو معصوم لوگ ہیں ان کے جانے جا رہی ہیں اور بہت سارے فلسطینی جو ہیں وہ بیگار ہو چکے ہیں تو یہ جو مسئلہ ہے یہ حل طلب ہے اسرائیل اور کشمیر کے درمیان فلسطینی اپنا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ایک آزاد ریاست میں اور اپنے جو ہے اپنے مذہب کے مطابق جو ہے زندگی گزاریں سو اس طرح سے یعنی کہ اقوام متحدہ کو اور باقی جو یعنی بھی طاقتور مالک ہیں ان کو اس کے اندر ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے اور اسرائیل اور فلسطینی کے درمیان جنگ کو روکنا چاہیے اور فلسطینیوں کو جو ہے ان کا حق دیے جانے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے سو ان ٹاپکس کے ریگارڈنگ کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں تھینک یو فار واچنگ اور ویڈیو اف یو لائک اور ویڈیو دین لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اوور چینل